स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रोटी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे वेव पावर के बारे में। जैसे कि हमने कल बात किया था टाइडल पावर के बारे में, आज हम लोग वेव पावर के बारे में बात करते हैं। तो वेव पावर एक तौर का रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। आप अगर इसका पावर प्लांट बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रक भर ट्रक कोयला आपको डालना पड़ता है, ट्रेन भर ट्रेन कोयला डालना पड़ता है। इसमें आपको कुछ डालना नहीं पड़ेगा, आप एक बार बना दिया काम खत्म, आपका टेंशन खत्म हो गया। और आप पूछोगे कि इसमें पावर कहाँ से आ रही है, जैसे कि मैंने जियोथर्मल के बारे में बताया था कि जियोथर्मल का पावर रेडिएशन से आता है। और धरती जिस टाइम बन रही थी, जिस टाइम उसमें काफ़ी बम्बार्डमेंट हुआ था, वो बम्बार्डमेंट की एनर्जी फंसी हुई है, वो धीरे धीरे लीक कर रही है। उस एनर्जी को हम लोग जियोथर्मल कहते हैं। इस केस में विंड पावर, जो समुद्र के एक पूरे सतह पे हवा जो बह रहा है उससे सतह पे थोड़ा सा मोशन हवा का लैंड कर जा रहा है, वो मोशन को हम लोग वेव कहते हैं। और वेव जो है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हवा से ही होता है, बहुत सारे और चीज़ भी ऐड करते हैं, लेकिन मेन इसका मतलब आपका ये मेन सोर्स क्या है, मेन कहाँ से ऊर्जा आ रही है, तो वो जनरली हवा से आती है। कोरियोलिस इफेक्ट मतलब धरती के घूमने से इसमें थोड़ा सा जो असर होता है कि पानी थोड़ा पीछे ही रह जाएगा, धरती अगर घूम रही है तो पानी थोड़ा पीछे हो जाएगा, तो उससे इस तरह से भी काफ़ी सारे इफेक्ट ऐड होते जाते हैं। तो लेकिन आप सब मिला के ये समझिए कि ये विंड पावर है। तो इस पर इतना इंटरेस्ट क्यों है आज के टाइम में, खास करके आजकल अगर आप टाइडल सर्च कीजिएगा तो कुछ कुछ जगह पे तो आपको सीधे वेव पावर दिखाने लग जाएगा। वो इसलिए कि ये मार्केट अभी ताज़ा है। मतलब आप ये समझिए सोलर के बारे में जैसे मैंने वीडियो यहाँ बनाया था, तो ये सोलर अब प्राइस पैरिटी पहुँच गया है। मतलब सोलर से बिजली बनाना कुछ साल में सस्ता हो जाएगा कोयले के कंपेयर में। तो और आप अब देख सकते हैं, इसका असर देख सकते हैं, हर जगह हर कोई सोलर पावर प्लांट बनाने लगा, हर देश बनाने लगा, मतलब चाइना तक बना रहा है। इसलिए नहीं कि किसी को इन्वायरमेंट का लेना है, सिंपली इस बात पे कि भाई बिजली आपको सस्ते में बेचने में आपके प्रॉफिट ज़्यादा होता है। आप बहुत ज़्यादा महंगा बिजली बेचने लगेंगे तो लोग या तो बिजली यूज़ करना बंद कर देंगे या तो बहुत पावर सेविंग में चले जाएंगे, क्योंकि भाई पैसा सबको चुभता है। तो सोलर से बिजली बनाना पॉसिबल है, सोलर से बिजली बनाना सस्ते में अभी ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट लगभग कहीं हम लोग आ गए हैं ऐसा जगह पे कि सौर से बिजली बनाना सस्ता है। तो अगर आप सोलर एनर्जी में कूदना चाहते हैं तो वो मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आप टिकिएगा नहीं। लेकिन ये मार्केट एकदम अनटैप्ड है, मतलब इस पर अभी कोई बड़ी कंपनी कूदी नहीं है, ये ताज़ा मार्केट है। इस पर कोई अगर अभी कूदता है तो इसको कंट्रोल कर सकता है, मतलब थोड़ा सा इस पर ग्रिप लिया जा सकता है। तो इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा 24/7 सोलर बहुत पावरफुल है, मतलब पूरा देश चला सकता है, लेकिन रात को आप क्या करोगे, ये 24/7 देता है। मतलब आप ग्रिड में पावर लगा दिए और आप भूल जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं। हाँ, थोड़ा अप डाउन होगा, ऐसा नहीं कि एकदम लिख दिया है कि 100 मेगावाट का पावर प्लांट है तो 100 मेगावाट सुबह शाम दिन रात ठंडा गर्मी में दे रहा है, नहीं, चेंज होगा, कभी 80 मेगावाट देगा, कभी 150 मेगावाट देगा। लेकिन सब मिला के आपको एक पावर सोर्स है जो चल रहा है, जो 24/7 चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। तो काम कैसे करते हैं, तो काम अगर आप विकिपीडिया में खोजेंगे तो आपको खूब सारा डिटेल मिल जाएगा। तो मैंने वो सब डिटेल को दो हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा है ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम डिज़ाइन, जो आप इस तरह का डैम जैसा ही आपको देखने में लगेगा। इसमें होता ये है कि आप एक चेम्बर बना देते हैं कंक्रीट से, मतलब सीमेंट से, और आप जब पानी ऊपर नीचे जाता है, वेव में आप ऐसे ऐसे पानी देखते हैं, तो कॉलम के अंदर भी पानी ऊपर नीचे जा रहा है। अब पानी ऊपर नीचे जा रहा है, आप चेंबर्स बना दिए हैं सील करके, तो उसमें एक आप एक छेद करते हैं, उस छेद में आप टरबाइन लगा देते हैं, विंड टरबाइन का एक बड़ा भाई समझ लीजिए। और जैसे पानी ऊपर आता है, एयर प्रेशर बढ़ गया यहाँ पे, वो टरबाइन से बाहर निकलता है, टरबाइन एनर्जी निकाल लिया। अब जैसे वेव ऊपर गया तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ही जाता रहेगा, वो नीचे भी जाएगा। जब नीचे जाता है तो पानी नीचे जाता है, अब यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम बन जाता है, क्योंकि मतलब ये हवा जो ठेला वो तो निकल गया, तो अब वैक्यूम बढ़ा, ये वॉल्यूम जो है पानी का वो बढ़ जा रहा है, हवा वापस अंदर आती है, तो टरबाइन उससे भी चलता है। तो इसके लिए जनरली ऐसे टरबाइन के ब्लेड यूज़ किए जाते हैं, जो फ़र्क नहीं पड़ता हवा आगे से आए या पीछे से आए, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। इफ़िशेंट कम होता है लेकिन ये काम करता है। तो इस तरह के पावर प्लांट फ्रांस में बनाए गए हैं, जो मतलब बहुत अच्छे से काम करती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सिंपल है, मतलब। और दूसरा होता है मैकेनिकल मोशन, जो मतलब समुद्र पे ऐसे ऐसे चल रहा है और उसका कोशिश करके उससे बिजली निकालने की कोशिश करेगा, वो इस तरह के होता है, बहुत पावरफुल होता है। मतलब ये 120 मेगावाट दे सकता है। तो सब चीज़ तो वही यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये बहुत सारा खतरा देता है, मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा। तो इसका नुकसान के बारे में बात करते हैं। पहला नुकसान है कि ये बहुत ख़तरनाक है शिपिंग और मरीन लाइफ के बारे में, मतलब मछली उछली के लिए बहुत ख़तरनाक है। कोई भी चीज़ अगर पानी में ऐसे ऐसे भारी भरकर, मतलब स्टील का कोई चीज़ अप डाउन हो रहा है, कोई मछली गई तो गई, और मछुआरे लोग के लिए झंझट है चूँकि। और इसमें ये सब ऐसे ऐसे जगह पे डाला जाता है कि जहाँ पे वेव पावर हो, जनरली वहाँ पे कोई ना कोई शिपिंग लेन होगा ही, शिपिंग लेन है तो और कोस्ट एरिया के पास इसको बनाएंगे तो कोस्ट एरिया में वहीं बनाया जाएगा ना जहाँ पे लोग आबादी है तो मतलब कि वहाँ पे बोट सोर्स आते जाते रहेंगे, कोई पोर्ट होगा। तो ये सब मिला के ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि ये काफ़ी खतरनाक है दोनों के लिए, मतलब इंसान के लिए भी और इसके लिए भी, क्या बोलते हैं, मरीन लाइफ के लिए भी। तो ये इसका सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा, जैसे मैं सोलर के बारे में बात करता रहता हूँ बार बार, क्योंकि सोलर में इतना ज़्यादा एनर्जी है कि आज की टेक्नोलॉजी, मतलब आज का जो तकनीक है उसको इस्तेमाल करें और पैसा एकदम डाल दें उसमें, कि मतलब बस डाल दें। आप पूरा देश को चला सकते हो, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। और राजस्थान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा में आपका ये सोलर फार्म होगा, मतलब छोटा कई 100 किलोमीटर का होगा, लेकिन आप रेगिस्तान को भी पूरा नहीं कवर करोगे, आपकी इतनी बिजली निकल जाएगी इसमें। लेकिन ये सिर्फ 2 टेरावाट का बात कर रहा है। तो 2 टेरावाट आप ये समझिए 2000 मेगावाट होता है। हमारे पास 1-2 सोलर फार्म है जो अकेले इतना बिजली पर घंटे देता है, पर घंटे मतलब है, भारत में है, आप जाके देख सकते हैं। तो सब मिला के इसका जो कमज़ोर पावर है ये इसका फाइनल लिमिट है, मतलब आप बना भी लिए, आप करोड़ों खर्च भी कर दिए तो आपको ऐसा नहीं है कि इतना बिजली मिल रहा है कि टेंशन ख़त्म हो गया। तो ये इसका वीक होना बहुत खतरनाक बात है। दूसरा, ये बहुत महंगा है। आप कोई भी जो समुंदर के साथ आसपास काम किया होगा उसको पता, समुंदर मजाक नहीं करता, तो पत्थर को तोड़ डालता है। तो आप स्टील से बनाइए या कुछ भी कीजिए, वो अच्छे चीज़ को तोड़ फोड़ देता है। तो ये सब जो, जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये कुछ महीने में ख़राब हो रहा था शुरू वाला, और अभी भी कुछ ही साल चल पा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप डैम बनाते हैं तो डैम बना दिए भूल गए, मतलब 60-70 साल तक डैम चलता है। ये सब 60-70 साल नहीं चलेगा, ये सब बहुत हुआ तो 20 साल चलेगा। तो ये मतलब एक तो ये महंगा चीज़ है क्योंकि आपको समुंदर को झेलना है, जो कि अच्छा खासा महंगा चीज़ है, और ऊपर से ये चलेगा भी नहीं ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि दाम एंड में ये हो जाता है कि लोग बोलते हैं भाई क्षमा करो। तो भविष्य में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि डिज़ाइन कितना दिन चलता है, मतलब जो भी आपका औजार है वो कितना दिन चलता है उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। तो हम लोग को सबसे पहले फोकस करना है कि भैया लॉन्ग लास्टिंग डिज़ाइन कैसे बनाते हैं जो मतलब लंबा चले। जैसे जियोथर्मल है कि मतलब आपने बना दिया, टेंशन नहीं है, वो चल रहा है देता रहेगा बिजली। आपको वैसा ही कुछ चाहिए कि जो बना दिया और भूल गए, मतलब मेंटेनेंस कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना अरे यार ख़त्म हो जाएगा 2 साल में, मतलब ये पूरा डैम ही टूट जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मेरा पर्सनल फेवरेट, मैंने इस पर जितना रिसर्च किया, ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम सबसे बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि ये मरीन लाइफ को भी टेंशन नहीं देता है। आप इसको कोस्ट में लगा सकते हैं ताकि ये शिपिंग लेन को भी टेंशन ना दे, और इसमें पानी सीधे किसी चीज़ से कांटेक्ट में नहीं आ रही, तो मतलब जंग का खतरा आधा हो जाता है। और कुछ डिज़ाइन तो ऐसा जिसमें जो टरबाइन और जनरेटर को ऐसे अलग किया गया कि जनरेटर में तो वो जो मॉइस्चर वाली हवा है, जो मतलब उमस भरी हवा होती है, नमकीन हवा जिसको कहते हैं, नमकीन हवा तो पत्थर को खा जाती है, तो उसको भी अलग कर दिया कि जनरेटर में तो वो हवा भी नहीं जाती, जनरेटर सिर्फ टरबाइन घिसेगा, और टरबाइन में 20-30 साल में घिसेगा। तो ये डिज़ाइन सबसे अच्छा लगता है। तो इसको एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ। आपने एक चेम्बर बनाया और जैसे पानी ऊपर गया, चेम्बर में भी पानी ऊपर गया, तो पानी चेम्बर में पानी गया, हवा निकला, टरबाइन घुमा दिया ठीक है। अब जैसे वेव वापस नीचे उतरेगा, जब नीचे उतरेगा तो ये भी पानी नीचे उतरेगा। अब ये पानी नीचे उतरा, यहाँ से वो हवा निकल चुका है, तो यहाँ पे एक वैक्यूम बन जाता है, पार्शियल वैक्यूम, फुल वैक्यूम नहीं है, मतलब वहाँ 0 PSI नहीं हो जा रहा है, वहाँ कम वैक्यूम हो जा रहा है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर वापस यहाँ पे आके इक्वलाइज करता है, तो अब उससे भी आप एनर्जी निकाल रहे हो। तो 2 मोशन, एक बार ठेले, एक बार निकाले, ठेले निकाले। तो वैसा करने से आप इस टरबाइन को आराम से चलाते हैं। और इस डिज़ाइन में सबसे बड़ा ये खासियत है कि जो भी चीज़ में बिजली है वो पानी के ऊपर है, मतलब आपका जनरेटर पानी के ऊपर है, आपका टरबाइन पानी के ऊपर है, मतलब ये सब चीज़ खराब जो होगा, सीमेंट में तो कुछ होने वाला नहीं है, और अगर अच्छे सीमेंट से बनाया जाए तो 50-60 साल तक तो आपको सोचना भी नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है सीमेंट वाला, इसको कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए कोई आदमी भी तैरते तैरते यहाँ पहुँच गया, कुछ होगा नहीं, बस होगा कान दुखेगा, तो कोई टेंशन नहीं। मछली उछली भी गई तो फिर निकल जाएगी। कोरल रीफ इसमें फैल गया तो भी क्योंकि कोई चीज़ हिल नहीं रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये आराम से लगाओ और भूल जाओ। और हाँ, आप जनरेटर बीच बीच में मेंटेनेंस करो, टरबाइन को बीच बीच में मेंटेनेंस करो, और चूँकि ये सब पानी के ऊपर है, मेंटेनेंस के लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। तो ये डिज़ाइन मेरे को सबसे पसंद आया, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में खूब सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सबको। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, और इससे मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा देश चला सकते हैं, लेकिन जैसे मुंबई वाला एरिया है, जैसे बहुत सारे जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जो मतलब कोस्ट पे हैं, उस सब का सप्लीमेंट एनर्जी इससे देना पॉसिबल है। सप्लीमेंट एनर्जी का मतलब बस आप इतना समझिए कि जैसे वो शहर है 500 मेगावाट खा रहा है बिजली पर घंटे, तो आप इससे 10-20 मेगावाट आप ऐड कर दीजिए उसमें। आप बोलोगे उससे उतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अरे बिजली आ रहा है, कोयला बच रहा है, उससे तो फ़र्क पड़ेगा, मतलब कुछ नहीं तो कुछ भला रहता है। और ये 24 घंटा चलता है, सोलर की तरह है नहीं कि दिन में तो पूरा पावर दे दिया रात को जीरो हो गया। तो थोड़ा सा सप्लीमेंट करना, और खास करके मान लीजिए कोई छोटे तटीय शहर है जहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है और एकदम खूब पैसा नहीं आ रहा है। और मैंने अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ स्टेट्स देखे हैं जो लोग छोटे छोटे जगह पे सोलर फार्म लगा दे रहे हैं, तो वहाँ सोलर फार्म और ये जोड़ दें तब तो मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये दिन भर देगा पावर और रात को ये पावर देता रहेगा। दिन में आप पूरा पावर यूज़ कर लीजिए, रात को आप बस लो लोड पे चलिए, मतलब इंडस्ट्री तो बंद हो जाता है, दुकान बंद हो जाते हैं, मॉल बंद हो जाते हैं, तो पावर कंजप्शन घट जाता है। एसी भी कम पावर खाता है रात को, तो रात को इससे आप चलाइए आराम से। तो इस तरह से करके इसको रिन्यूएबल एनर्जी में सप्लीमेंट कर देना, मतलब कि ठीक है हमारा सोलर आ रहा है, हमारा विंड आ रहा है, हमारा टाइडल आ रहा है, हमारा वेव आ रहा है, ये चारों को अगर आप मिला देते तो मतलब पूरे देश का बिजली 24 घंटे आपको मिल जाएगा। सोलर आपका सबसे बड़ा होगा, दिन का पूरा बेला बगान वही संभालेगा, विंड और ये टाइडल मिल के रात का टाइम का काम संभाल लेंगे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले भविष्य में हम लोग इसको काफ़ी देखने वाले हैं, ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम। तो ये था मेरा वीडियो वेव पावर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको देखने में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और मैं आपसे कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए अगर आपके पास फुर्सत है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।